नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन हमारे देश का एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो कि आए दिन विवादों में रहता है, और हाल ही में समस्त किसान मोर्चा ने रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जो कि 18 फरवरी को होगा। और 4 घंटे का ये आंदोलन दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक चलेगा, जिसको देखते हुए सरकार ने GRP और RPF को अलर्ट कर दिया है और कर्मचारियों की छुट्टी कर दी है। ये आंदोलन जो हो रहा है वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए हो रहा है, ताकि वो किसान बिल वापस ले लें। लेकिन किसान आंदोलन जो इतने टाइम से चल रहा है, जो कि इतना आक्रामक रूप ले चुका है, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, ट्रैक्टर रैली से लेकर चक्का जाम तक, हमारे देश को बहुत चीज़ों से जूझना पड़ रहा है आज के टाइम पर। लेकिन जब PM मोदी ने किसानों को वापस जाने के लिए, घर पर जाने के लिए बोला और बुज़ुर्गों को भी घर पर जाके आराम करने के लिए बोला, तभी भी किसान अपने मुद्दे से नहीं हटे और वो अड़ियल होके एक ही मुद्दे को लेके बैठे हुए हैं, और अब रेलवे आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अब इन चीज़ों से जो आम आदमियों को असुविधाएँ होंगी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हमारी इकोनमी कोरोना की वजह से ऑलरेडी बहुत डाउन जा चुकी है, और रेल रोकने से सारे टिकट्स के जो पैसे होंगे, जो कि छोटे मोटे लोगों का काम चलता है, जैसे रेलवे में कुछ बेचने के लिए, कुछ खाने पीने की चीज़ें बेचने के लिए, उनका क्या हाल होएगा, ये चीज़ किसान सोच नहीं रहे हैं। किसान अपने अड़ियल रवैये पर टिके हुए हैं और न जाने ये कब तक चलेगा। प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी ये बात बोली है कि एक बार आप बिल को इम्प्लीमेंट तो होने दीजिए, उसके बाद अगर कोई चेंजेस है तो हम लोग करेंगे। लेकिन किसानों का रवैया नहीं बदल रहा है सरकार की तरफ, और वो दिन प्रतिदिन आक्रामक हो रहे हैं। हमारी सरकार ने सारे ही पैंतरे अपना लिए हैं और किसानों को काफ़ी बार समझाने की भी कोशिश करी है, लेकिन उसके बावजूद भी नेशन वाइड रेल रोको आंदोलन का क्या मतलब बनता है, ये चीज़ हमें आज तक नहीं समझ में आती। लेकिन जहाँ पे एक ओर हम किसानों को अन्नदाता कहते हैं, ऐसे अन्नदाता का देश क्या करे जो कि आम आदमी के बारे में ही नहीं सोच रहा है। इन लोगों के आंदोलन की वजह से पता नहीं कितनी असुविधा होती है आम आदमी को। नेशन वाइड रेल रोको से जो रेलवे कर्मचारी हैं उनको जो घाटा फेस करना पड़ेगा, उनके लिए जो असुविधाएं होंगी, पता नहीं ये 4 घंटे का होगा, कितने घंटे का होगा, क्योंकि पिछली बार भी जो ट्रैक्टर रैलीज निकाली गई थी उसका क्या आक्रामक रूप था हम लोगों ने देखा है। अब हम लोगों को इस चीज़ का जवाब चाहिए। अगर इसके बावजूद भी सरकार बिल वापसी नहीं लेती है तो किसान क्या करेगा और किस हद तक जाएगा, और आम आदमी को कितना सफ़र करना पड़ेगा, ये चीज़ एक सोचने की बात है। किसान जो मुद्दा बैठ के सुलटा सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं जिस मुद्दे के बारे में, उसी मुद्दे पर ये लोग इतना आंदोलन, इतने भाषण, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर।